वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। मुझे कुछ आ नहीं रहा है बोलने के लिए, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे नहा धोवा कर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अब एडजस्टिंग का समय आता है, क्योंकि बहुत दिनों से कपड़े सब इधर उधर, विंटर के समय आ गया है और बहुत सारे कपड़े निकल गए हैं, इधर उधर रखाया रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमने आज ये डिसाइड किया है कि आज हम एडजस्टिंग करेंगे सामानों से। तो इसीलिए मैंने वो ब्लैक वाला गोदरेज जो है उसको हमने खाली कर दिया है और उससे सारा पेपर बिछा के, उसमें पहले सिर्फ कागज वगैरह ही होता था, तो हम ये डिसाइड किए कि वो कागज़ सब नीचे उतार के बढ़िया से उसको फोल्ड वगैरह करने के बाद नीचे जो सीट है उसी में हम लोग मैनेज करेंगे और ऊपर का जो दो सीट बचेगा उसमें सारा बच्चे लोग का कपड़ा रखेंगे। जितना भी सारा सामान था, सारा पेज जो होता है, कॉपी वगैरह सब सारा उठा के समेट के और हम दोनों सीट में भरें। इसके बाद जो बच्चे लोग का विंटर का कपड़ा है वो सब सारा एक फोल्ड बना बना के ऊपर और बीच वाला रेंज में एडजस्ट किए। ये करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, ये तो देखने में लगता है कि थोड़ा सा समय लगा है पर बहुत ज़्यादा लग गया। तो हम एडजस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और आप लोग पूरा ब्लॉग को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और देखिए आगे हम क्या करते हैं। इस प्रकार से सारा कपड़े को करते हैं।
इधर शाम का समय हो चुका है और आया है मैगी। और मैं टिफिन चेक कर रही हूँ कि दोनों के दोनों बच्चे कुछ भी नहीं खाए हैं, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने दिए थे उसी तरह वापस ले आए, सिर्फ एप्पल और बिस्किट खाया है और कुछ मतलब रोटी को टच भी नहीं किया है। इधर मैं बना रही थी मैगी, शाम का समय हो चुका है। और आप लोग यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरी मैगी भी बनके